नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दो रंग का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, टोपी में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बिगनर्स भी इसे आराम से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। 2 फंदा काले रंग के ऊन से सीधा बुन लेंगे, फिर 2 फंदा दूसरे रंग के ऊन से सीधा, फिर 2 फंदा काले रंग के ऊन से सीधा, 2 फंदा दूसरे रंग के ऊन से सीधा। इस तरह 2 रंग के ऊन लेंगे। एक रंग के ऊन से 2 फंदा सीधा बुनने के बाद अगला 2 फंदा दूसरे रंग के ऊन से सीधा बुनेंगे। इस तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। सेकेंड रो और बैक साइड, जो फंदा जिस रंग के ऊन से सीधा बुना गया था वो फंदा उसी रंग के ऊन से दूसरी लाइन में उल्टा बुना जाएगा। थर्ड लाइन और फ्रंट साइड, अब जहाँ हमने पहले रंग के ऊन से 2 फंदा सीधा बुना था, अब वहाँ पे हमें दूसरे रंग के ऊन से 2 फंदा सीधा बनाना होगा। यहाँ पे हमने दूसरे रंग का ऊन इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पे हम अपने पहले रंग का ऊन से 2 फंदा सीधा बुनेंगे। यहाँ पहले रंग के ऊन से 2 रंग फंदा सीधा बुना गया था, तो यहाँ पे अब दूसरे रंग के ऊन से 2 फंदा सीधा बुनेंगे। ऊन का कलर बदलते जाएंगे और सीधा बुनते जाएंगे। डिज़ाइन बहुत ही आसान है, लेकिन बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। फोर्थ रो और बैक साइड, अब जिस रंग के ऊन से तीसरी लाइन में हमने सीधा बुना था उसी रंग के ऊन से उस फंदे को इस लाइन में उल्टा बुनेंगे। काले रंग के ऊन से 2 फंदा उल्टा, इस तरह जिस रंग के ऊन से सीधा बुना गया था उसी रंग के ऊन से उल्टा बुना जाएगा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनके तैयार है। 4 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और इन्हीं चारों लाइनों को हमें दोहराते रहना है। बनाना बहुत ही आसान, लेकिन बनने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा, तो डिज़ाइन आपके सामने है। आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।